हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी कोई भी तरीका नहीं है। आपने यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे होंगे जिनमें आपको बताया जाता है ऑनलाइन वोटर आईडी डाउनलोड करने के बारे में, लेकिन जब आप उन वीडियो को प्ले करके देखते हैं तो उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। वो सिर्फ आपको आपकी वोटर आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन कैसे निकलती है वो बताते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को आप एक आईडी प्रूफ के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। यदि आगे ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन चलिए, मैं आपको ये जरूर बता देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप गूगल में टाइप कीजिए NVSP। ओके, उसके बाद ये NVSP सर्विस पोर्टल पे क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए, या फिर आप अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए www.nvsp.in। ओके, उसके बाद आपको इस वेबसाइट में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा, सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल। ओके, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी एज डालनी है, या फिर आप अपनी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपनी असेंबली सेलेक्ट करनी है यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम डालना है, और यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो कोड यहाँ पे दिए गए हैं ये यहाँ पे आपको इसके सामने डालने हैं। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। ये सभी डिटेल्स डाल के यदि आप सर्च करोगे तो आपको आपका रिजल्ट सर्च करने में आसानी होगी। ओके, या फिर आप सिर्फ नेम से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे, तो उसमें आपको आपका रिजल्ट ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। ओके, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको सर्च रिकॉर्ड दिखा देगा। ओके, उसके बाद आपको आपके रिकॉर्ड के सामने व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी सभी डिटेल्स दिखा देगा, और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर प्रिंटिंग के लिए, या फिर इस पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इस प्रिंट आउट को लेके आपको आपकी तहसील में जाना होता है, या फिर आपके आसपास के वोटर आईडी ऑफिस में लेकर इसे जाना होता है। उसके बाद वहां से आपको आपका वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि आप मुझसे लाइव चैट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.onlinesahayata.in पे आके मेरे साथ लाइव चैट कर सकते हो।